ये वडोदरा की महारानी की विशालकाय तिजोरी है, जिसमें किसी जमाने में बेशकीमती आभूषण और हीरे जवाहरात रखे जाते थे। इन अलमारियों को विशेष रूप से लंदन से मंगाया गया था। इसकी खासियत ये है कि ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही इनमें आग लगाई जा सकती है। फिलहाल ये तिजोरियां महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी के हंसा मेहता लाइब्रेरी में रखी गई हैं। प्राचीन पांडुलिपियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने ये तिजोरी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को तोहफे के रूप में दी थी। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और रिसर्च का काम देखता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जारे थयुं त्यारे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े पोते विचार्यु के आटली सरस संस्थानी स्थापना करी छे, आटला बधा पंडितों ने मेहनत थी जे हस्तप्रतो एकत्रित करी छे, एनु शुं थशे। एटले आ राजवीए एने चिंता करी। आजे आपणी पासे अमूल्य जे ज्ञान भंडार छे ए नष्ट न पामे एना माटे एमणे चिंता करी। अने माटे तमने आश्चर्य थशे के एमणे जे पगलू लीधुं एना माटे ए खूब ज प्रशंसनीय छे। एमणे एम विचार्युं के मारी पासे मारी राणी माटे जे घरेणा ने संग्रह करवा माटे जे फायरप्रूफ तिजोरी छे ए तिजोरी जो हूँ आ संस्थाने आपूँ तो एमा केटलीक जे महत्वपूर्ण जे हस्तप्रतो छे एनी सुरक्षा थई जशे। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को शिक्षा से बेहद लगाव था। सयाजीराव गायकवाड़ ने शैक्षणिक संस्थान और लाइब्रेरी विकसित की ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने देश भर से प्राचीन पांडुलिपि एकत्र करने का जिम्मा संभाला और उन्हें सही तरीके से संरक्षित करने की दिशा में काम किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े समग्र भारत माथी जुदी जुदी स्थल थी अने खास करीने गुजरात में पाटण माथी एमने खूब बड़ी हस्तप्रतो भेगी करी। एवी हस्तप्रतो हती के जे अलभ्य हती अने एनी योग्य काळजी लेवाती नहीं हती। तो महाराजा सयाजीरावे आवी हस्तप्रतो ने भेगी करी अने वडोदरानुं जे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय छे एमां एक अलग डिपार्टमेंट बनावामां आवेलुं जेने संस्कृत डिपार्टमेंट कहेता। पाछळथी संस्कृत डिपार्टमेंटना पण बे भाग पड्या। संस्कृत डिपार्टमेंट रह्युं अने एक ओरिएंटल इंस्टिट्यूट थयुं। तो प्राच्य विद्या मंदिर तरीके जाणीता ओरिएंटल इंस्टिट्यूटनी अंदर आ बधी हस्तप्रतोने संभाळ लेवामां आवे छे। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने जो कोशिश शुरू की थी उसे अब ओरिएंटल इंस्टीट्यूट संभाल रहा है और यहाँ 30,000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित हैं।